हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। आर्स रॉयल किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक और खुशहाल होंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 काजू और 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं रफली चॉप कर लूँगी और हम इन्हें थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो गाइस चलिए, आज आप और हम मिलकर बनाते हैं कच्चे केले के कोफ्ते की करी। रॉ बनाना या कच्चे केले के पैटीज या टिक्की, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई विल लीव द लिंक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं बिना आलू के हमने किस तरह से कच्चे केले के कोफ्ते बनाए हैं। तो जो ये कच्चे केले का मिक्सचर रेडी है, इससे मैं इक्वल साइज़ के कोफ्ते बना लूँगी या पैटीज आप कह सकते हैं। इसे आप वॉट एवर साइज़ और शेप आप प्रीफर करें वो शेप में बना लें। मैं इसे ओवल शेप में बना रही हूँ, आप इन्हें पैटीज कहें या कोफ्ता कहें, इट्स वन द सेम थिंग। और देखिए, सारे कोफ्ते इसी तरह से बनाकर तैयार हैं। और अब हम रखते हैं पैन एंड आई विल स्मीयर इट विथ सम बटर। आप चाहे तो यहाँ पर घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कोफ्ते हम इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छी तरह से इन्हें शेलो फ्राई कर लेंगे। सो गाइज, आज की जो कोफ्ता करी बन रही है काफ़ी कम तेल में बन रही है और आलू की जगह हमने रॉ बनाना इसमें इस्तेमाल किया है। सो प्लीज़ वॉच द कम्प्लीट रेसिपी। इंटरेस्ट में गाइज, दिस कोफ्ता करी केम आउट सो वेल। ये बिना आलू के हमने जो कोफ्ते बनाए हैं ये काफ़ी सॉफ्ट तो बने ही थे और काफ़ी डिलीशियस भी थे। सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से थोड़ा गोल्डन क्रस्ट आने तक इन्हें फ्राई कर लिया है। और आप चाहें तो इन्हें एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं किसी डिप या चटनी के साथ। और मेरे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और चलिए अब हम तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी की। सो जो प्याज और काजू को हमने बॉईल करके रखा था वह अभी ठंडा हो चुका है और हम इसे अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं ग्रेवी बनाने की। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो हाफ ऑयल और हाफ घी भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑयल एंड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आई एम जस्ट यूजिंग ऑयल। और यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून G2 पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सॉटे कर लेंगे और उसके बाद जो प्याज और कैशू या काजू का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है वह इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सॉटे करेंगे। और प्याज को इस तरह से बॉईल करके जब हम पेस्ट बनाकर करीज बनाते हैं तो उसमें प्याज की जो रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल नहीं आती, और जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं इस पेस्ट को तो ये काफ़ी जल्दी फ्राई होता है। तो दिस इज़ द टिप फॉर टुडेज रेसिपी। और जो प्याज के साथ में हमने काजू ऐड करके बॉईल किया है तो काजू गिव्स अ वेरी रिच फ्लेवर एंड बॉडी टू द ग्रेवी। और आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक डालकर उसे बॉईल करके भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से यूज़ किया है। और जब हमारा यह मिक्सचर अच्छी तरह से सॉटे हो चुका है तो मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटा चम्मच मैंने डाला है मिर्ची का पाउडर और 2 छोटा चम्मच मैंने ऐड किया है धनिया का पाउडर। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। और देखिए, बहुत जल्दी से यह भून जाता है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी, जिसे मैं क्रश करके ऐड करूँगी, और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है गर्म मसाला और 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाला है इसमें सौंफ का पाउडर। जो यह केले के कोफ्ता करी हम बना रहे हैं काफ़ी रेगुलर मसाले के साथ हमने बनाया और काफ़ी कम तेल में और काफ़ी कम मसालों के साथ इसे बनाया है, लेकिन इसमें कहीं भी इसके जायके में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है और काफ़ी क्रीमी और काफ़ी सॉफ्ट कोफ्ताज बनकर बने हैं। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी खटाई, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ घर का बना हुआ दही। आप उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये दही को हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से इस मसाले में पका लेंगे और उसके बाद में हम स्वाद अनुसार या 1 से 1.5 चम्मच तक इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सो ग्रेवी में दही डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू स्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज दही है वो कभी कभी बिखर जाता है, फट जाता है। और देखिए, इसमें अब अच्छी तरह से उबाल आने लगा है तो हमारा कर्ड अब इसमें सेट हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे इसको बहुत ही सिल्की स्मूथ बॉडी मिलता है ग्रेवी को। और मैंने लिया है 1 ब्रेड स्लाइस, जिससे हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसका पेस्ट बना लिया और वह मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आप देखेंगे कि यह अच्छी तरह से जब बॉयल होगा तो यह काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर वाला
वाला ग्रेवी बनकर तैयार होगा। इसमें मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। सो इट डिपेंड्स, आपको थोड़ी गाढ़ी वाली ग्रेवी रखना है या थोड़ी पतली रखना है, तो मैंने इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। सो यहाँ पर ग्रेवी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है और बस अब हम इसे ऑफ करने वाले हैं और बस उसी टाइम पर हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा घी। इट डिपेंड्स, आप आधा टेबल स्पून या हाफ टी स्पून या जितना भी घी आप डालना चाहें वो ऐड कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। घी ऐड करने से क्या होता है एंड में कि जो हमारी ग्रेवी है उसमें काफ़ी अच्छा शाइन आता है और उसके बाद हम लास्टली इसको गार्निश करेंगे फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स से। और देखिए हमारी कोफ्ता की ग्रेवी बनकर तैयार है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि अगर हम मलाई कोफ्ता बनाते हैं, इस तरह के सॉफ्ट कुछ कोफ्ताज़ बनाते हैं, तो हम उन्हें ग्रेवी में डालकर बॉईल नहीं करते हैं, हमें जस्ट दो ग्रेवी और कोफ्ता अलग बना कर के असेंबल करना है। तो चलिए हमारे जो पैटीज या कोफ्ता हैं हम उन्हें अच्छी तरह से डिश में सेट कर लेंगे और उसके बाद मैं इनके ऊपर थोड़ा सा काजू लगा रही हूँ डेकोर के लिए और टेस्ट के लिए। और उसके बाद जो भी ग्रेवी हमने बना कर रखी हुई है हम वह इन कोफ्ता के ऊपर पोर कर देंगे। सो गाइस, टिप फॉर टुडेज़ कोफ्ता करीज़, जब भी आप कोफ्ता बनाते हैं इस तरह से तो कोफ्ता और ग्रेवी को आपको असेंबल करना पड़ता है। तो जस्ट बिफोर सर्विंग 10-15 मिनट्स बिफोर आप इस तरह से इसे सेट करके ग्रेवी में सोक कर ले एंड इट्स गुड टू गो। और 10-15 मिनट का टाइम काफ़ी होता है कोफ्ता जिसकी ग्रेवी को सोक कर लेते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। सो जितना आपको कोफ्ता सर्व करने के लिए रेडी करना उतने कोफ्ते आप डिश में लगाएं और उसके ऊपर रिक्वायर अमाउंट ऑफ ग्रेवी उस पर पोर कर दें। और चलिए हमारी कोफ्ता करी बनकर तैयार है और अब मैं इसे गार्निश कर दूंगी फाइनली चॉप्ड आमंड से। आप चाहें तो इस पर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए, आप चाहें तो ग्रेटेड पनीर या थोड़ा चीज़, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू लाइक, यू कैन गो अहेड विद दैट। सो मैंने सिर्फ आमंड्स के साथ इसे कर दिया था ताकि बीच बीच में क्रंच भी आता रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखिए कितने सॉफ्ट कोफ्ता बनकर तैयार हुए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।